फाइनली दोस्तों, साउथ इंडियन सिनेमा के स्टाइलिश आइकॉनिक सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जिनकी वन ऑफ द मोस्ट मच अवेटेड अपकमिंग पैन इंडिया मूवी पुष्पा टू द रूल, जिसको लेकर आ रहा है एक बहुत बड़ा अपडेट, तो उसके बारे में तो हम बात करेंगे और जानेंगे कि कब तक होगी यह मूवी सिनेमाघरों में रिलीज। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक जरूर देखना, और ऐसी मूवीज के लिए सारे अपडेटेड वीडियोस हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि पुष्पा द रूल एक अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसको अपना शानदार डायरेक्शन दिया है सुकुमार ने, जिसकी मेन लीड रोल में आपको देखने को मिले हैं साउथ इंडियन सिनेमा के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जिनका साथ देते हुए नजर आएंगे इस मूवी में ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, फहद फासिल, सुनील, प्रकाश राज, और अगर रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों इस मूवी में आपको जगपति बाबू भी देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इस मूवी से आ रहे बड़े अपडेट की, तो दोस्तों इस मूवी का शूट लगभग 40% कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मेकर्स ने हाल ही में वीडियो भी आउट की है, जिसमें उन्होंने एक शेड्यूल को रैप अप करते हुए भी दिखाया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे मीडिया पोर्टल्स ने कन्फर्म किया है कि इस मूवी का 40-45% शूट कंप्लीट हो चुका है। और वही अगर हम कुछ और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों इस मूवी का शूट इस साल के एंड तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और यह मूवी आपको देखने को मिलेगी सिनेमाघरों में अगले साल यानी कि 2024 में, जिसे मे बी होली के मौके पर यानी कि मार्च के मंथ में रिलीज किया जा सकता है। अगर हम बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों यह मूवी बन रही लगभग 200 से 250 करोड़ के बजट से, जिसमें आपको पार्ट वन के कंपेयर में कई सारे नए एक्टर भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, कौन कौन पुष्पा द रूल मूवी को लेकर एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और इस मूवी से जुड़े सभी अपडेट हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।